हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस चेक करते हैं क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए और उनका इरादा क्या है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, रीडिंग को जनरल रीडिंग की ही तरह लें, जरूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रहा है तो देखिए लीजिए जो आपको गाइडेंस मिल रही है, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए, है गाइस। ओके, टाइम वेस्ट है, कभी वेस्ट रीडिंग को वॉच कर सकते हो। अगर आपके सिचुएशन से आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, और नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, रीडिंग आपके लिए नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सभी से रेजोनेट हो। क्या है आपकी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या है आपकी पर्सन की सच्ची भावनाएं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इट इज लियो सजिटेरियस। ये पर्सन की सच्ची भावनाएं ये है कि भले ये पर्सन दूर है आपसे या अलग है, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, ये कहीं और है, आप कहीं और हो, काफ़ी दिन हो गया है बातचीत नहीं हुई है, ये पर्सन आपको एरोगेंटली बिहेव करते हैं, आपके साथ एरोगेंट हैं, जिद्दी हैं, पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको याद करते हैं। ओके, इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन आपको चाह कर भी भूल नहीं सकते, और नहीं ये चाहते हैं आपको भूलना। किसी तरह का प्लान्स बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करना है इस पर्सन को, ये तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन प्लान्स बना रहे हैं पर आपको खबर नहीं होने दे रहे हैं। इनको देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये पर्सन पीठ दिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते आपसे या बातचीत नहीं करना चाहते, क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा। तो भले ये पर्सन इस एनर्जी में है ऐसा दिखा रहे हैं आपको, पर इनकी ट्रू फीलिंग्स कुछ और ही है आपके लिए। ओके, और अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन आ गया है, तो इस वजह से ही ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन गलत नहीं करना चाहते वहाँ पर। इनको पता है कि आपके साथ तो गलत हुआ है, आपके साथ अन्याय तो हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस तो हुआ है, पर ये पर्सन वहाँ नहीं करना चाहते। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्होंने गलत तो कर दिया है, तो और ज़्यादा गलतियाँ इनको नहीं करनी है, तो इस वजह से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन नहीं है तो इनका फोकस कैरियर में है, ओके, अपने गोल पर है, अचीवमेंट में है, इनको सक्सेस चाहिए लाइफ में। जब ये सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे तभी ये पर्सन आपके पास लौटेंगे, ओके, एक मैच्योर पर्सन बनकर, और इस पर्सन को आपके लाइफ में आने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, सक्सेस के लिए कोई नहीं रोक सकता, दुनिया को कोई ताकत इनको नहीं रोक सकता, आपसे मैरिज के लिए, यूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, आपसे शादी के लिए, ओके, क्योंकि आप इनके ही हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए है, नहीं हो रही है तो गाइस स्टॉप करते इसे, ठीक है। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग लेकिन ना, ये पर्सन एक सही टाइम का भी वेट कर रहे हैं। अगर ये आपके ट्रू लव हैं, आप ऐसा फील करते हो कि ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स का पर, तो किस्मत आप दोनों को मौका देगी, दोबारा आप दोनों साथ में आओगे। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपके डेस्टाइंड पार्टनर है या आपके सोलमेट हैं, पर तभी आएंगे आपके लाइफ में जब ये पर्सन कुछ हासिल कर लेंगे, ओके, तभी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, तभी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जब ये अपने कैरियर में कुछ हासिल कर लेंगे जो ये चाहते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे ये आपकी फैमिली को मना पाएंगे या कैसे शादी के लिए रेडी कर पाएंगे,
या कैसे आपको कमिटमेंट नहीं है, कैसे आपसे शादी करेंगे जब इनके पास कुछ है ही नहीं है, अच्छा कैरियर नहीं है। अगर स्पेशली ये पर्सन एक मेल है तो जो आपके लवर है वो ये चाहते हैं आपसे कि आप इनसे कांटेक्ट करो, बातचीत करो। आपका फोकस आपके कैरियर में है वो ठीक है, पर इनको भी टाइम दो। ये जो आप आपसे जो चाहते हैं वो दो आप इनको, बैलेंस करो आप आपकी लव लाइफ को, आपके कैरियर को, आपकी लाइफ लव लाइफ को आप बैलेंस करो, बैलेंस बना कर आगे पढ़ो। डेफिनेटली ये पर्सन आपके कैरियर में ग्रोथ देखना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, पर आप इनको इग्नोर ना करो। ओके, इनको साथ में लेकर आगे बढ़ो। मुझे ऐसा लग रहा है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनका फोकस कैरियर पर है, पर ये पर्सन आप कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं आप दोनों के बीच। आपको भी चाहते हैं कैरियर में सक्सेस चाहते हैं, पर ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं लाइफ और लव लाइफ के बीच, या ये पर्सन अपने कैरियर की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस चीज़ का एहसास इस पर्सन को होगा, पर कब होगा? जब आप मूव ऑन कर लोगे, जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि किसी को खोने के बाद ही उसकी वैल्यू समझ आती है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनके लिए हर वक्त फ्री रहते हो ना, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जब इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील होगी, जब इस पर्सन को लगेगा कि ये आपको खो रहे हैं, खोने का डर होगा, बिल्कुल आप दोनों के बीच बैलेंस बनाएंगे, या ये पर्सन वो सब आपको देंगे जो आप चाहते हो। तो थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए इनको। जैसे ये पर्सन अपने कैरियर में फोकस कर रहे हैं, किसी और चीज़ में कर रहे हैं, वैसे आप भी करें। क्या है इनका इंटेंशन आपके लिए? फाइटिंग। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन को पता नहीं क्यों आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं, फाइट करने के मूड में हैं। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो, अगर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो तो, अगर आपके लाइफ में कोई और आ गया है तो, या अगर आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो और ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर्सन को आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, नाराज़ है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो इनके बिना, कैसे आप अपना फ्यूचर किसी और के साथ देख सकते हो। ये भले कुछ भी करे, चाहे आपको इग्नोर करें, आपको टाइम ना दे, चलेगा, पर आप कैसे, आप इनके हो, पजेसिव काफ़ी ज़्यादा हैं ये पर्सन आपके लिए, अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा हैं ये पर्सन आपसे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन है या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, फिर भी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, फिजिकली आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये, तो लस्ट फुल एनर्जी से आ सकते हैं। एक गलत पर्सन आपको वो कभी नहीं दे सकता जो आप चाहते हो, पर ये जो चाहते हैं वो आपसे ज़रूर लेंगे। तो देखिए कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में रखते हो, नहीं रखते हो, ऐसे पर्सन का साथ चाहते हो या नहीं चाहते हो, कि आप जो चाहते हो ये पर्सन वो आपको दे सकते हैं, तभी ले से, ठीक है? तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस।